ओम शांति। आज 25 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ज्ञानी बच्चों को याद कर रहे हैं कि जो ज्ञानी बच्चे हैं उनकी कौन सी आदत पक्की हो जाए तो बहुत अच्छी आदत है वो। बाबा ने कहा कि जो ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ये गुण मनुष्य को बहुत गुणवान बनाता है। सिंधी में भी कहावत है, जल्दी सोना जल्दी उठना, रात को 10 बजे सो जाओ सुबह जल्दी 2 बजे उठ जाओ, अगर 2 बजे ना उठ सको तो 3 या फिर 4 बजे तक। बाबा ने कहा कि अगर कोई बच्चे ये आदत पक्की कर लें तो उनका सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, सारा जीवन बहुत अच्छा रहता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बाबा बच्चों से जब मिलते हैं तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपसे पहले भी मिले हैं, 5-4 वर्ष पहले भी आपसे हम मिले थे। बाबा कहते, बच्चे ये खेल अनेक बार हो चुका है, मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ, माया रावण वर्षा छीन लेता है। माया किसे कहा जाता दुनिया वाले नहीं जानते, वहाँ धन को माया समझ लेते हैं। 5 विकार माया है। रावण का भी बुत जलाते हैं, रावण का सही अर्थ क्या है बाबा ने समझाया, ये 5 विकार रावण है। रावण की मत पर आप दुखी हो गए हो, बाबा की मत पर चलने से सदा सुखी बन जाते हो। बाबा के पास जो बच्चे आते हैं, कोई सोतेले हैं, कोई मातेले हैं, कोई सगे हैं, कोई लगे हैं, बाबा के पक्का पक्का बच्चा बनना है तो बाबा की ही श्रीमत पे चलना है, मनमत मिक्स नहीं करनी है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे एक बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है बाबा का बनने की। उन्हीं के लिए गायन है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हें बैकुंठ का रस मिलता है, गिर गए तो चकनाचूर। माया चील कम नहीं है, जो बच्चे अवज्ञाएं करते हैं तो माया उन्हें बहुत तंग करती है। बहुत शौक होना चाहिए कि हम सच्ची कमाई जमा करें। बाबा की याद सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है। सुबह के समय में वातावरण में सन्नाटा होता है, जैसे कि अशरीरी हो जाते हैं। बहुत शौक होना चाहिए कि हम सच्ची अविनाशी कमाई जमा करें। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, ये भी सहयोग देना है। शिव बाबा बहुत बड़ा सेठ है, उन्होंने आके यज्ञ रचा है। यज्ञ कोई 7 दिन चलता है, कोई 8 दिन, कोई 1 मास। ये यज्ञ तो कब से चलता आया, इस यज्ञ में कितनों के विघ्न भी पड़े, लेकिन बाबा बहुत बड़ा सेठ है। हम बच्चे बाबा के साथ इस यज्ञ में मददगार हैं। हर ब्राह्मण को बाबा का मददगार बच्चा बनना है। एक बार हम बलिहार जाते हैं, 21 जन्मों के लिए बाबा बलिहार जाते हैं, अपना वायदा पूरा निभाना है। और संग तोड़ एक संग जोड़, एक से ही नाता जोड़ना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समर्पण पर कही कि देह अभिमान को समर्पण कर दो। जब देह अभिमान को अर्पण कर देंगे तो आपका हर कर्म योग युक्त 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 होगा। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता सदा आपके साथ रहेगी। आज हम अनुभव करेंगे कर्म क्षेत्र पर, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सफलता सदा मेरे साथ है, और मुझे इस आदत को पक्का करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ताकि हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। इस समय तुम बाबा के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे।
उसने ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? सवेरे सवेरे उठने की आदत। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते जल्दी उठ जाते हैं उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ करके बैठो। जल्दी सो जाओ फिर जल्दी उठ सकेंगे, जल्दी सोएंगे नहीं तो उठ नहीं सकेंगे। जल्दी सोकर फिर शिव बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए, ये आदत पक्की करनी है। गीता है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं, यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं तो अकेली है, उसे अशरीरी कहा जाता है। जब आत्मा के पास शरीर नहीं तो बिल्कुल अकेली है, उसे अशरीरी कहा जाता। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो, आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो अब बाबा के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5-4 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा लेंगे, जानते हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? बेहद बाबा के सम्मुख क्यों बैठे हैं? बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमें ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमें राजयोग सिखाते हैं। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया। भगवान निराकार को कहा जाता। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो, ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते, 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छीछी तमो प्रधान होगा। 16 कला से 14 कला 12 कला कम होती जाती है। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित हैं। देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित हैं तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती, समझाया जाता, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता वो नहीं है। अगर मरे तो पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वो इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा एक इस तन में एक बार आते हैं, ब्रह्मा तन में पुनर्जन्म नहीं लेते। वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं सब जन्म पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाबा आते हैं पावन बनाने के लिए। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते पतित मत बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। बाबा कहते हैं विकार में मत जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया। किस मत पे चले हम कि भारत दुख धाम बन गया? पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। माया पर जीत पाने से
जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वो धन को माया कह देते, कहते ना इन्हें माया का बहुत नशा है। परंतु माया का नशा होता नहीं, वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता, रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो देवी देवताएं थे वो भी विकारी मार्ग पर चले गए। तो आप प्रयोग से माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पे चलते रहते हैं। अब तुम चलते हो श्री मत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वो है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर से बंधे हुए दुखी हैं। आसुरी संप्रदाय रावण की जंजीर से बंधे हुए हैं इसलिए दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली, तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिला के आधा कल्प हुआ। उससे पहले देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हो सकते हैं, कहते हैं 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा तो होता है ना, इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र फिरता रहता है, कोई जान ना सके। मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र फिरता रहता है, कोई जान ना सके। बाबा ही समझाते, ये है गीता एपिसोड। बाबा ने आके सहज राजयोग सिखाया। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते कि बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बहुत ही सहज बात है बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ, तुम समझते हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते आगे कभी मिले हो, कहते हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं वो समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं, हम बेहद बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। निराकार शिव बाबा हम बच्चों से पूछते हैं आप मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाबा कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर मैं अब देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं, ये अनेक बार का खेल हो चुका है। बाबा वर्षा देते हैं, माया छीन लेती है, ये अनेक बार का खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे तो कोई लगे, कोई सोतेले कोई मातेले, कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी कभी कभी माया एकदम जीत लेती है, माया बहुत तेज है। कभी कभी जो पक्के बच्चे उनको भी जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पे बहुत है, जो जितना मुझे याद करे, जितना याद में रहेंगे योग अग्नि से, तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। याद की अग्नि से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है, बेहद के सेठ ने ये बेहद का यज्ञ रचा है। बेहद का सेठ है शिव बाबा, उन्होंने बेहद का यज्ञ रचा। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं, 7-8 रोज 1 मास के लिए यज्ञ रचते। तुम्हारा ये यज्ञ कितने वर्षों से चल रहा है,
1936-7 से निराकाश बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान देकर ये यज्ञ रचा, तब से चलता आया। बाबा तो सुनाते रहते हैं, कहते भूलो मत, इन बातों को भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। मुझे याद करो तो जो जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं उनका बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच, मुझे अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है, तभी तो कहते हैं ना। बाबा कहते अब तुम्हें वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। इस समय आत्मा पतित बन गई, जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते, यहाँ है बाबा पर बलिहार जाना। यहाँ पर हम सीखते हैं बाबा पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना, अब बाबा कहते तुम्हें कोई मनुष्य पे बलिहार नहीं जाना, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुम्हें सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये कभी भूलो मत। बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे, ये कभी भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु मायाचील भी कम नहीं है, सबकी बात नहीं परंतु नंबरवार हैं। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, सुबह को रिफ्रेश होते हैं फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है ही नहीं, कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा, कुछ अवज्ञा की माया ने जोर से थप्पड़ मारा, चले गए। बाबा कह देते चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं, वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पद तो नंबर वार है ना, भले वहाँ सब सुखी रहते हैं फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, सतो प्रधान उन्हें कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है, सभी नंबर वन तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं तो उनको याद करना है, चाहते हो हम बाबा के गले में पिरो जाएं तो उन्हें याद करना है। सारा मदार याद पर है, माया विघन ऐसे डालती है एकदम रेस से निकाल देती है, तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी हो गए, शरीर लेते लेते बहुत तंग हो गए, कहते अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति बताई, कहते बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है, सिर्फ बाबा को याद करो, सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। सबसे अच्छा टाइम तुम्हें सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत है सवेरे सोना सवेरे उठना, ये मनुष्य को गुणवान बनाता है, ये गुण, रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना, ये मनुष्य को गुणवान बनाता है। ये गायन भी अभी का है, बाबा कहते रात को जल्दी सो जाओ फिर सवेरे सवेरे उठो, पुरुषार्थ करो जल्दी सो जाएं तब अपने आप सुबह उठेंगे। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस, तुम कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, बाबा की याद में कमाई बहुत है, याद करना है, याद सच्ची कमाई है,
तुम्हें हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, बहुत फर्स्ट क्लास समय होता है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, पहले तो 2 बजे, 2 नहीं तो 3, लास्ट 4 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। जल्दी वही उठ सकते हैं जो जल्दी सोएंगे, टाइम पर सोएंगे। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई से तो खुशी होगी ना, मनसा सेवा करेंगे, योगदान देंगे, इस सूक्ष्म सेवा से थकावट नहीं होती, खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठकर अपनी अविनाशी कमाई जमा करते रहो, सुबह उठकर बाबा की याद की अविनाशी कमाई जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, मनमत परमत को त्याग, श्रीमत पे चलना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई जमा करनी है, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान है, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती, तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है, उन्हें संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योगयुक्त बंधन मुक्त होते हैं, उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है, उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। आज हम पक्का रखेंगे कि हमें बाबा को साथी बना के रखना है और अपनी आदत में परिवर्तन करना है, अच्छी आदत लानी है, रात को जल्दी सो जाना है, सुबह उठकर बहुत प्यार से याद करना है। याद रखेंगे, याद सच्ची कमाई है। और आज की यह एक नई वीडियो भी ज़रूर देखें, कोई मिस ना करें।